हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सब हम आज न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल स्टडीज में, जिसका नेम है द वेस्टर्न डेजर्ट ऑफ इंडिया। इसमें हम वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, कैसा होता है, वेजिटेशन कैसी होती है, लाइफ कैसी होती है वहाँ के लोगों की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस लेसन में एंड में हमें पता चल जाएंगे, मतलब जिनके बारे में हमें नॉलेज हो जाएगी, जो कि है लोकेशन ऑफ थार डेजर्ट, लोकेशन ऑफ थार डेजर्ट, टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन फाउंड इन थार डेजर्ट, What an oasis is, the step we can take to check the spread of deserts, life in desert, life in central plateau। ये कुछ 6 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी आज की। यू हैव लर्नड अ फ्यू थिंग्स अबाउट डेजर्ट इन क्लास 3। आपने 3 क्लास में भी डेजर्ट के बारे में कुछ चीजें पढ़ी होगी। जैसा कि आपको पता है, डेजर्ट एक ऐसा फ्लैट एरिया है जो सैंड से कवर्ड होता है। वहां पे बहुत कम वेजिटेशन की जाती है, मतलब खेती बाड़ी जो होती है बहुत कम होती है। राजस्थान लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन्स। राजस्थान कहाँ लाइ करता है? साउथ वेस्ट में नॉर्थन प्लेन के। ये नीचे मैप शो कर रहा है, ह्यूज एरिया ऑफ राजस्थान इज द डेजर्ट। मतलब ये जो आपको एरिया शो कर रहा है ना, ये डेजर्ट एरिया है, मतलब जहां पे सैंड होती है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। अरावली हिल्स को डिवाइड किया गया है राजस्थान में 2 पार्ट्स में। किसको? अरावली हिल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न पार्ट इज क्वाइट फर्टाइल व्हाइल द वेस्टर्न पार्ट इज रॉकी एंड सैंडी। ईस्टर्न पार्ट तब की थोड़ा फर्टाइल है, पर जो वेस्टर्न पार्ट है वो बहुत ही रॉकी एंड सैंडी है। रिवर जो है चंबल, वो फ्लो करती है ईस्टर्न पार्ट से, और वेस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान का, उसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट भी कहा जाता है। तो ये आपसे 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेस्टर्न पार्ट होता है राजस्थान का, उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए थार डेजर्ट। या ऐसे भी आ सकता है, जो थार डेजर्ट है वो कौन से पार्ट में लाई करता है राजस्थान के, ईस्ट या वेस्ट? तो ऐसे भी आपको याद होना चाहिए। थार डेजर्ट वॉज फॉर्म ड्यू टू लो रेनफॉल एंड हैवी सॉइल इरोजन। थार डेजर्ट कैसे बना है, कैसे फॉर्म हुआ है? और लो रेनफॉल और हैवी सॉइल इरोजन के कारण थार डेजर्ट बन गया, कि बारिश ज्यादा नहीं हो रही। थार डेजर्ट स्प्रेड कहां से कहां तक है? अरावली हिल से बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहां तक फैला हुआ है थार डेजर्ट वेस्ट में। एंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द साउथ वेस्ट ऑफ द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। और रन से लेके, कच्छ के रन से लेके साउथ वेस्ट में जो रन है, रन का मतलब कच्छ का जो रन है, वहां से लेके हरियाणा के बॉर्डर तक ये फैला हुआ है। और वेस्ट में ये एक पार्ट लार्ज सिंध डेजर्ट, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लार्ज सिंध डेजर्ट इन पाकिस्तान। वेस्ट में ये एक पार्ट बनाता है जो कि किसका पार्ट है? पाकिस्तान का, जिसे बोलते हैं सिंध डेजर्ट। थार डेजर्ट नहीं, सिंध डेजर्ट कहते हैं, जो पाकिस्तान के अंडर में आता है। थार डेजर्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सैंड। थार डेजर्ट किसका बना है? रॉक्स एंड सैंड का। स्टार फैक्ट देख लीजिए। स्टार फैक्ट, अरावली हिल सबसे ओल्डेस्ट हिल है इंडिया की। सबसे ओल्डेस्ट हिल कौन सी है इंडिया की? अरावली हिल्स। देयर आर हिलॉक्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स फाउंड इन डेजर्ट। हिलॉक्स क्या होता है? मतलब जो छोटे छोटे हिल्स होते हैं, ये दिख रहा है ऐसे उठे हुए, इसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स, जो ऐसे इकट्ठा होते हैं पहाड़ की तरह दिखते ना छोटी थोड़ी जगह पे, उसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन। डस्ट स्टॉर्म मतलब इस मिट्टी का भूभंडन बहुत कॉमन है यहाँ पे, मतलब बहुत क्वांटिटी में सैंड होती है तो उससे स्टॉर्म्स आते रहते हैं। और जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, मतलब जो बताया ना पहाड़ की तरह जो कलेक्ट होता है, जब मिट्टी हवा चलती है तो उड़ के कहीं और चले जाते हैं, उधर कलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टार फैक्ट, कैमल बहुत यूजफुल एनिमल है यहाँ पे। बिसाइड बींग अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसे एक ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। ये हमें मिल्क भी प्रोवाइड कराता है। इनके जो हेयर्स होते हैं वो क्लॉथ्स बनाने में यूज किए जाते हैं, और फील्ड्स में प्लफिंग के लिए भी इनका यूज किया जाता है, जैसे मिट्टी में चलाना, ठीक है। व्हेन डेड इट्स स्किन इज यूज फॉर मेकिंग टेंट्स एंड स्पेशल वाटर बैग्स। और जब ये मर जाते हैं तो इनकी जो स्किन होती है वो टेंट बनाने या वाटर बैग्स बनाने में यूज की जाती है।
तो ये किसके बारे में जाना है हमने, कौन से एनिमल के बारे में? कैमल की। कैमल क्या है, बहुत यूजफुल एनिमल है ये, वहां पे एक ट्रांसपोर्ट के रूप में वर्क करता है, ये मिल्क प्रोवाइड कराता है, और इनकी जो हेयर्स होते हैं उससे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, और इनकी जो स्किन है जब ये मर जाते हैं उस स्किन से टेंट या वाटर बैग्स बनाए जाते हैं, स्पेशल वाटर बैग्स। नेक्स्ट है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट का कैसा रहता है, थार डेजर्ट जो क्लाइमेट है थार डेजर्ट का बहुत ही एक्सट्रीम टाइप का है। विंटर में यहाँ के जो डेज होते हैं ना बहुत ही प्लेजेंट होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बट जो रातें होती है बहुत ठंडी होती है। समर के टाइम में डेज बड़े गर्म होते हैं, मतलब दिन का समय बहुत गर्मी होती है बट रात के समय ठंडक हो जाती है। हॉट ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे, और गर्म हवा चलती रहती है दिन भर, मतलब दिन के टाइम, और रेन यहाँ पे बहुत कम होती है, बारिश बहुत कम होती है, और यहाँ पे बहुत ही ओकेजनल शावर होते हैं, स्ट्रीम्स होती है जो फिल अप होती है पानी से, मतलब बहुत ही कम पानी देखने को मिलता है स्ट्रीम्स वगैरह में। However, this water does not fulfill the needs of the people. But ये जो वाटर है ये लोगों की नीड्स को तो फुलफिल नहीं कर सकता ना, पानी वहां पे बारिश ही नहीं होती, पानी नहीं आता, तो बट हमें तो 12 महीनों पानी चाहिए अपने लोगों को, हर उनकी नीड्स के लिए वाटर की जरूरत होती है। तो sometimes it does not rain for many years at a stretch. कई बार तो कई सालों तक बारिश नहीं होती। तो जो हॉट क्लाइमेट होता है डेजर्ट रीजन का, वो अलाउ नहीं करता ट्रीज को ग्रो करने के लिए। अब जब पानी ही नहीं मिलेगा ट्रीज को तो वो ग्रो कैसे करेंगे, ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, है ना। सो द पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया इज लो, तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई, मतलब वहां पे कम लोग रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं रहते। क्यों कम रहते हैं, क्योंकि वहां पे पानी नहीं है, सर्फ मिट्टी अच्छी नहीं है कि लोग खेती वगैरह करके अपने लिए फूड वगैरह ग्रो कर ले। और जो इम्पोर्टेंट सिटीज है इस एरिया की, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये तीन सिटीज है जो राजस्थान की इम्पोर्टेंट सिटीज है, मतलब ये जो थार डेजर्ट के आसपास की जो इम्पोर्टेंट सिटीज है। कुछ प्लेसेस है डेजर्ट में जहां पे अंडरग्राउंड वाटर आता है ऊपर तक, मतलब और पुल बनाता है, मतलब अंदर से पानी निकालते हैं। उन प्लेसेस का नाम है, मतलब डेट पाम, कीकर, बबुल ट्रीज, ये पेड़ों के नाम है। इन जगहों पे कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं, डेट पाम, कीकर, बबुल ट्रीज। सच अ फर्टाइल प्लेस इन अ डेजर्ट इज कॉल्ड ओसिस। फर्टाइल प्लेस जो है डेजर्ट का उसका नाम क्या है, ओसिस। ज्यादातर विलेज के होते हैं इस ओसिस से अराउंड होते हैं, मतलब इस ओसिस से घिरे हुए होते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, अपनी क्रॉप्स ग्रो करते हैं। कौन सी क्रॉप्स, जवार एंड बाजरा की, इन ओसिस के अराउंड में, क्योंकि ये ओसिस हेल्प करते हैं हमारे को फूड ग्रो करने में, वेजिटेशन करने में। द वाटर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय द इंडियन गांधी कैनल, इंदिरा गांधी कैनल। अभी जो पानी की प्रॉब्लम थी ये तो चलो कई हद तक सॉल्व कर दी गई है, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी कैनल द्वारा। इसे हम राजस्थान कैनल भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इंदिरा गांधी कैनल का, राजस्थान कैनल। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कैनल है। इस कैनल में ऑलरेडी, मतलब इस कैनल ने काफी हेल्प करी है फार्मर्स की, जो किसान होते हैं ना उनकी कई तरह से मदद करी है क्रॉप्स ग्रो करने में, और बड़े बड़े फार्म सेटअप करे गए हैं सूरतगढ़ में। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रो है वाटर की जो हमारी प्रॉब्लम थी वो किसने सॉल्व करी है, इंदिरा गांधी कैनल ने। तो नीचे पिक देखिए इंदिरा गांधी कैनल की, ये सबसे लॉन्गेस्ट कैनल है वर्ल्ड का। नेक्स्ट देखिए, कैमल इज द चीफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट। कैमल एक मेन माध्यम है ट्रांसपोर्ट वहां डेजर्ट में, ठीक है, क्योंकि कैमल्स जो होते हैं वो पानी के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं, पानी फूड के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं। द कैमल हैज ब्रॉड पैडेड फीट विच हेल्प इट टू वॉक फर्मली ऑन द सैंड। और इनके जो फीट होते हैं ना इतने ऐसे होते हैं कि वो सैंड में इजीली चल पाते हैं, वरना अदर एनिमल्स क्या होंगे, वो फिसल जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे। इसलिए कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा, शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहा जाता है। और एक क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़ा है कि कौन सा कैनल है जिसने वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी कैनल। प्लेसेस जो सबसे ज्यादा
सबसे कम रेनफॉल रिसीव करते हैं, जिन्हें बहुत कम बारिश मिलती है जिन जगहों के, वो क्या बन जाते हैं कुछ समय में, डेजर्ट का फॉर्म ले लेते हैं, डेजर्ट की फॉर्म में बदल जाते हैं क्योंकि उन्हें रेन ही नहीं मिल रही। मैन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डेजर्ट, और इस डेजर्ट को बनाने में किसका हाथ है, मैन का। कैसे, हम जो मैन होते हैं, पर्सन है, हम जो इंसान है, वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर दे रहे हैं, ठीक है, एंड अलाउ कर रहे हैं एनिमल्स को ओवर ग्रेज करना, मतलब चलना खाना, जैसे चराते हैं ना घास वगैरह। तो इससे क्या हो रहा है, डेजर्ट एरिया बढ़ा जा रहा है, खाली मैदान हो जाता है तो वहां पे मिट्टी हो जाती है, तो इसके धीरे धीरे वो कौन सी फॉर्म ले लेता है, डेजर्ट की। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट करने चाहिए, ठीक है, और सॉइल ताकि अच्छी रहे, खराब ना हो, उसे डेजर्ट के, उस प्लेस को डेजर्ट की फॉर्म में ना तब्दील हो। तो अगर हमें इसको रोकना है तो उसके लिए हमें ट्रीज को उगाना पड़ेगा, तभी हम ये जो प्रॉब्लम है उसको स्टॉप कर सकेंगे। आज हमने क्लाइमेट केयर पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम लाइफ पढ़ेंगे डेजर्ट एंड सेंट्रल प्लेट्यू की। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले, और कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइएगा कि कौन से कैनल ने वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व की है, ठीक है, और शिप ऑफ द डेजर्ट किसे कहा जाता है। इन टू आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएंगे। और एक और पॉइंट, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैथ्स के, ग्रामर के, किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।